इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये ए बी सी नाम का एक त्रिभुज खींचा और उसके बाद इसकी जो ये पहली भुजा ए बी है, इसको व्यास मानते हुए हमने एक ये वृत्त खींचा है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इस वृत्त के केंद्र से होते हुए ये जो पहली भुजा है इस त्रिभुज की, ये जा रही है। इसी तरह से इस त्रिभुज की जो दूसरी भुजा ये ए सी है, इसको व्यास मानते हुए हमने एक ये दूसरा वृत्त खींचा है। ठीक है, तो हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि जो इन दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है, देखिए एक ये प्रतिच्छेद बिंदु है ए और एक ये प्रतिच्छेद बिंदु है डी, तो ये तो हमारा इस त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा, लेकिन जो ये दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु डी है, हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि ये जो डी प्रतिच्छेद बिंदु है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, हमें इसको सिद्ध करने के लिए इस आकृति में हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी कि जो बिंदु ए और डी है, इन दोनों को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये रचना कर देते हैं, बिंदु ए और डी को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे जो हमने रचना किया है उसको। हमने रचना क्या किया है कि हमने दो बिंदुओं को मिलाया, कौन कौन से, बिंदु ए तथा बिंदु डी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बिंदु ए तथा डी को मिलाया। ठीक है, तो इससे पहले हमें जो दिया है वो हमने यहाँ पर लिखा है, हमें ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है तथा ए बी और ए सी इन दोनों वृत्तों के व्यास हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु डी जो है वो भुजा बी सी पर स्थित है, यानी कि ये प्रतिच्छेद बिंदु डी है और ये भुजा इस बी सी पर स्थित है, हमें ये सिद्ध करना है। और यहाँ पर जो हमने रचना किया है वो लिखा। अब यहाँ पर हम करते हैं इसका हल। तो हल में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमारा जो कोण ए डी बी, यानी कि ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का क्यों होगा, इसका रीजन सुनिए। देखिए, हमने यहाँ पर ये ए बी व्यास मानकर ये वृत्त खींचा। ठीक है, तो ये जो व्यास है ये इस वृत्त को दो हिस्सों में बांटेगा, एक ये वाला अर्धवृत्त और एक ये वाला अर्धवृत्त। जो जैसा कि हमें पता है कि एक अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमारा ये जो कोण एडीबी है वो 90 डिग्री का है। इसी तरह से इस वाले वृत्त में भी देखिए, जो कोण एडीसी है, यानी कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। इसका रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये हमारा व्यास है इस वृत्त का एसी, और व्यास इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक ये अर्धवृत्त और एक ये अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर हम इसको भी लिखेंगे कि कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, दोनों का रीजन सेम है, इसलिए हम दोनों के ही रीजन में लिखेंगे कि दोनों क्यों 90-90 डिग्री के हैं, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त में बने कोण है, तो इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे कि अर्धवृत्त में बने कोण। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने लिख लिया। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर समीकरण एक कह देंगे और इसको समीकरण दो कह देंगे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि समीकरण एक और दो दोनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण एक और दो को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। समीकरण एक में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष में क्या है, कोण ए डी बी, प्लस समीकरण दो के बाएं पक्ष में क्या है, कोण ए डी सी बराबर के इधर। अब समीकरण एक में दाएं पक्ष में है 90 डिग्री, प्लस दो में भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो यहां से ध्यान दीजिए अब कि कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी, यानी कि कोण ए डी बी ये वाला कोण और कोण ए डी सी यानी कि ये वाला कोण, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, दोनों को जोड़ने पर हमारे ये पूरा कोण प्राप्त होगा, ये वाला। ठीक है, और इस कोण का क्या नाम होगा, बी डी सी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पे, कोण बी डी सी बराबर ये 90 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री।
तो यहां से इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोण बी डी सी यानी कि ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है। और 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जब एक सीधी रेखा हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन रहा है, एक रैखिक युग्म। इसलिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बी डी सी है यानी कि ये जो बी डी सी है ये क्या होगा, एक सीधी रेखा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बी डी सी एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा सिद्ध हो गया कि BDC क्या है, एक सीधी रेखा है। ध्यान से समझिए, एक बार और समझा रहा हूं, BDC हमारा सीधी रेखा क्यों सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये हमारा पूरा जो कोण है, कोण ADB और कोण ADC दोनों मिलकर 180 डिग्री के कोण बना रहे हैं। और 180 डिग्री का कोण हमारा जब बनता है तो हमारा एक सीधी रेखा पर बनता है, यानी कि रैखिक युग्म बनता है। तो इसलिए हमारा BDC एक सीधी रेखा सिद्ध हो गया। तो यहां से जो हमसे पूछा गया है वो हम यहां पर लिख सकते हैं। हमसे क्या सिद्ध करने को कहा गया है? प्रतिच्छेद बिंदु D भुजा BC पर स्थित है। तो यहां से हमारा सिद्ध हो गया, तो लिख सकते हैं अतः प्रतिच्छेद बिंदु D भुजा BC पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।